पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपनी तारीखें आगे बढ़ा रही है और दूसरी जानेब हुकूमत मजीद पुरमाद होकर अपोजीशन को चैलेंज कर रही है जरा आज के मुताबिक आज की वजीम कीफाकी काबीना के इजलास में पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की इजाजत देने का फैसला किया गया और वजीर अजम ने वजीर दाखिला को इलेक्शन कमीशन के बाहर रुकावटें ना लगाने की हिदायत की जनवरी को पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद तो की जा रही थी कि असम्बली से इस्तीफे देने और लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई अमली सामने आएगी मगर ऐसा नहीं हुआ और हुकूमत का एतम उसके बाद मजीद बढ़ गया उस इजलास के बाद मौलाना रहमान ने ऐलान किया था कि उन्नीस जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजा किया जाएगा और उसके बाद नायब दफातर के बाहर भी एहत किया जा सकता है इसके अलावा पी डी एम के सरबरा ने जमनी इंतखबा में हिस्सा लेने का तो ऐलान किया मगर सेनेट इंतबात में हिस्सा लेने से मुतिक बताया कि उसका फैसला बाद में किया जाएगा मगर पीपल्स पार्टी पहले ही सैनिक इतब में हिस्सा लेने का ऐलान कर चुकी थी और नून लीग भी अब इसके वाजे इशारे दे चुकी है नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने गुजर रोज कहा कि लॉन्ग मार्च जरूर होगा लेकिन पीडीएम उसकी तारीख का ऐलान अवाम और मौसम की सहूलत को मद्देनजर रखकर करेगी अब इस बयान से यह वाज हो गया है कि फिलहाल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पास हुकूमत को घर भेजने का कोई प्लान मौजूद नहीं है फॉरी प्लान मौजूद नहीं है इनी हालात ने हुकूमत को पूरा एतमाद कर दिया है, वजीर और उनके को मार्च करती है तो मौलाना रहमान को हलवा खिलाएंगे अब इम्तिहानपोजिशन का है कि वो इस चैलेंज को कैसे कबूल करती है सवाल पीपल्स पार्टी के लिए भी है कि अब वो ऐसी कौन सी हमत सामने लाएगी जिससे हुकूमत को घर भेजने की राहार हो सके क्योंकि दावा आसिफ दारी साहब ने कहा किया था कि हमारी भी सुन लें तो उन्होंने पी डीएम में क्या हमत अमली बनाई है और पीडीएम जो अब हुकूमत के हुतम की वजह बन रही है उसके पास असल में क्या है सर्दियां होंगी पहले से पता था इंतबात होंगी ये भी पहले से पता था तो अब बार बार डेड लाइन देकर क्यों बदला जा रहा है राणा सनाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं कमर कहरा साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे राणा साहब बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए राणा साहब आप लोगों ने तो हुकूमत को उल्टा पूरा एतमाद कर दिया है आप लोगों को पता था दिसंबर में जब आपने डेडलाइन दी फिर इकतीस जनवरी की डेडलाइन दी कि दिसंबर जनवरी और फरवरी में सर्दियां होंगी आपको पता था कि मार्च में सेनेट के इंतबात होंगे फरवरी में बाई इलेक्शन होंगे तो आप लोगों को सब पता तो था फिर आप डेडलाइंस क्यों देते रहे जिस पर अब मेटेरियलाइज नहीं किया हुकूमत और कॉन्फिडेंट हो गई वो कह रहे आ जाए आप इस्लामाबाद नहीं देखें वो इस किस्म की बातें तो खैर होती रहती हैं आ, लेकिन जब इस्लामाबाद आएंगे इन शाह तला और फिर आएंगे भी और फिर वहाँ पर आगे बैठेंगे भी और फिर देखेंगे कि इनका कॉन्फिडेंस क्या है और आ, किस तरह से जो है वो बात आगे बढ़ती है दरअसल जब ये इकत्तीस मई या पंद्रह मई की बात हुई थी या सेनेट के इलेक्शन से पहले की बात हुई थी उस वक्त जो एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राय ओपीन दी गई थी उसमें ये बड़ी क्लैरिटी से ये बात की गई थी कि अगर इस्तीफे टेंडर कर दिए जाएं तो सेनेट जो है वो नामकम्मल रहेगा और इलेक्शन नहीं हो सकेंगे उस वक्त उस राय पे पर किया गया और ये फैसला किया गया कि जनवरी में जो है वो लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा और इस्तीफे भी दिए जाएंगे लेकिन बाद में जब इसमें सेकंड थॉट आई और यकीनन उस पे उस आर्गुमेंट को पीपल्स पार्टी ने जो है वो पेश किया और जब उसका थ्रेड बेयर जायजा लिया गया तो मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब ये आ, लीगल ओपिनियन जो है ये इसके ऊपर डिस्कशन हुई है तो ये आर्गुमेंट जो है ये वेटी था कि के, इस्तीफे के देने के बावजूद जो है इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ब्रेक नहीं होता और ये बात दुरुस्त नहीं थी कि इस्तीफे देने से जो है वो सैनट नामुकम् रह जाएगा और इलेक्शन नहीं हो सकेंगे मगर तो इसलिए अब जो है ये फिर जो है वो इलेक्शन के बाद क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हमने आंखों के पट्टी तो नहीं बांधी हुई कि हम जो है वो इस तरह से दरिया में छलांग लगा देंगे हम हर अपने स्टेप को जो है वो देखेंगे और उसके बाद जब अब ये फैसला हुआ है कि अब सेनेट का इलेक्शन या जो ज़मीनी इलेक्शन है उसके बाद जो है वो लॉन्ग मार्च किया जाए तो बिल्कुल लॉन्ग मार्च होगा इनका ज़बरदस्त घराव होगा और ये उस वक्त तक होगा जब तक ये सरेंडर नहीं करेंगे और जब तक ये गवर्नमेंट जो है ये मुस्तफी नहीं होगी जैसा आपने ये यह तो बता दिया कि सेनेट के इंतबात के बाद ही लॉन्ग मार्च होगा सेनेट के इंतबात में आप भी हिस्सा लेंगे मगर असल में ये नहीं हुआ कि आप लोग वजीर आजम को डराते रहे और आजम आपका ब्लफ कॉल करते रहे आपने कहा जी हम आ जाएंगे उन्होंने कहा आ जाओ आपने कहा हम इस्तीफा दे, दे देंगे उन्होंने कहा बाई इलेक्शन करा दूंगा मरियम नवाज ने कहा जिन दो के इस्तीफे स्पीकर तक पहुंच गए हैं वो जाके बोल दें हम इस्तीफे कबूल करते हैं उन्होंने कहा ठीक है जी स्पीकर साहब ने बुला भी लिया उन्होंने कहा नहीं जी हम कबूल नहीं करते हमारे इस्तीफे नहीं हमने तो क्या को भेजे थे जगह जगह आपका ब्लफ कॉल किया वजी अजम ने जिसकी वजह से आज आप लोग इस सिचुएशन में है कि हुकूमत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई ऐसे नहीं है नहीं देखे ऐसे नहीं है बात चीज़ें जो है ना वो मीडिया में ऐसे जो है वो यानी वो चल जाती हैं ये कभी नहीं कहा मरीम नवाज साहबा ने कि जाएं और जाके इस्तीफे जो है वो उनके मुंह पे मारें इस्तीफे जो हैं जब पार्टी क्यादत ने खुद मांगे हैं कि उनके पास जमा करवाई फिर स्पीकर के पास जमा करवाने का या करने का तो कोई जवाब ही नहीं मिलता जहाँ तक आप वजी अजम से बात कर रहे हैं वज़ी जो है ये तो हमें कंटेनर भी दे रहा था वजी अजम तो हमें खाना भी दे रहा था, तो, हमें डी में रहा था। तो फिर अब आप, आप क्यों नहीं बुला रहा वो राजा मरियम नवाज साहब ने सखर में है वो कहा? यह कोई रैली हो कोई जलसा हो तो वहाँ पे जो इंतजामिया करती है तो अब वो कहाँ गए सारे ब्लॉक और उसके बाद राजा मरियम नवाज साहबा ने सखर में क्या कहा था की अगर गलती से पहुँच भी गए तो क्या करना है इन इस्तीफों के बारे में जरा सुनिए आप मैं आपको सुना देता हूँ एक बात में बता दू मैं दोनों को भी कहती हूँ अब इस्तीफा अगर आपसे स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो तो कहना ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे करो कबूल इनको मैंने भी कहा था ना ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे करो कबूल इनको मरियम नवाज ने कहा था नहीं तो बिल्कुल उन उन दोनों साहबान ने जो दोनों हमारे मोजेज एम एल हैं उन्होंने जाके कहा है, है, जा है स्पीकर को कि ये इस्तीफे हमने दिए हैं लेकिन दिए हमने अपनी क्यादत को हैं आपके ऑफिस को हमने नहीं भेजे अगर आपने कबूल करने हैं तो कर ले मैं तो कह रहा हूँ आपका कबूल अगर उसने करने थे तो नोटिस जारी किया था आपका बार बार कॉल किया है ना। ने... आप फिर इस्तीफे और... नहीं है उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफे दिए दिए अपनी पार्टी को लो कबूल ये बताएं तो स्पीकर को कह देते कर लो कबूल शाहजेब मुझे ये बताएं शाहजेब मुझे ये बताएं कि ये कहते हैं कि जी हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनके जलसों के मरहले से ना अब रैली से हमें कोई फ़र्क पड़ेगा ना लॉन्ग मार्च से पड़ेगा आप मुझे ये बताएं कि जब से हमने जलसे शुरू किए हैं उस वक्त से सवाए हमारे जलसों को मैनेज करने के जलसों से पहले उनकी उनको करने के जलसों के बाद हमारी तकरीरों का जवाब देने का अपोजीशन को गालियन के इसके अलावा इन्होंने काम किया है कोई इन्होंने पॉलिसी कोई इन्होंने मनसूबा कोई इन्होंने महंगाई कंट्रोल किया कोई इन्होंने गवर्नेंस किया कोई लोगों की हिफाजत किया कोई काम किया है इन्होंने और।, और अगर इसी तरह ये काम चलता रहा और तीन माह या छः माह तो ये मुल्क इस तरह से चल सकता है ये गवर्नमेंट इस तरह से चल सकती है आपका जो भी स्टेप होगा आपने जैसे मेरे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि हम मनाने की कोशिश करेंगे मगर हमारा ये भी इरादा है कि हम मान जाएंगे तो आप मान गए जरदारी साहब की बात प्लान किया जरदारी साहब के पास उन्होंने बताया क्योंकि अगर आप जाएंगे मार्च कर लेंगे उसके बाद धरने की बात करेंगे जरदारी साहब का धरने का भी कोई इरादा नहीं है तो फिर आप उनकी बात मान के क्या दोबारा वापस आ जाएंगे नहीं इसमें इसमें देखिए ये ठीक है पीपल्स पार्टी का ये वर्जन है कि धरना जो है वो नहीं देना चाहिए लेकिन इसके ऊपर वो फ्लेक्सिबल भी है और इस्तीफों के ऑप्शन के ऊपर पीपल्स पार्टी आज भी अनकारी नहीं है लेकिन इस्तीफ़ों को वो जिस वक्त और जिन हालात में देने की बात करती है वो बात सियासी तौर पर दुरुस्त है और इस बात के ऊपर वो रजामंद थी कि अगर इस्तीफ़े देने से एलेक्ट्रल कॉलेज जो है वो सैनट का वो ब्रेक हो जाए और सैनट नामुकम्मल रह जाए इलेक्शन रुक जाए तो वो तैयार थे देने के लिए लेकिन फिर बाद में जब इसके ऊपर बात हुई और जिस दिन मैंने ये बात की थी उस दिन वकला के दरमियान जो है वो आपस में इसके ऊपर काफ़ी आर्गूमेंट्स हो चुके थे तो उसमें यह बात नज़र आ रही थी कि इस बात में वज़न है कि एलक्ट्रॉन कॉलेज जो है वो इस्तीफे देने से ब्रेक नहीं होता और इलेक्शन नहीं रुकता ऐसी सूरत में पीटीआई को या गवर्नमेंट को इलेक्शन सेनेट uh, में ऐसी जो है वो मजोरिटी uh, जो कि टू थर्ड से भी ज़्यादा होती वो देने की सूरत बनती और जो कम से कम छः साल कायम रहती तो ऐसी मैं समझता हूँ कि गलती या हमाकत जो है वो अपोजिशन को किसी कीमत पे नहीं करनी चाहिए मगर साहब आप, आप में भी भी सेनेट से इस्तीफे दे दें आप करा ले सेनेट को भी जो है वो करें। अगर सेनेट से तो हमने इस्तीफे नहीं तलब किए रहा साहब अगर सेनेट के इंतबात हो भी गए तब भी पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े उसी सूरत में देगी जब आप, आ, आप उसको यकीन दिहानी कराएंगे कि उनके इस्तीफ़ों के नतीजे में और सिंध हुकूमत की कुर्बानी के नतीजे में वफाकी हुकूमत गिर जाएगी आप अभी उन्हें यकीन दहानी नहीं करा पाए मुस्तबिल में भी नहीं करा पाएंगे तो इस्तीफ़े उनके फिर भी नहीं आएँगे तो जरदारी साहब के पास कोई मुतबाद प्लान है क्योंकि वो असम्बली के जरिए हुकूमत हटाना चाहते थे तो उन्होंने कोई बताया आप लोगों को पिछले इजलास में जब आप लोगों को मनाया कि ये मेरा प्लान नहीं देखें उन्होंने इन हाउस की जो है वो बात की है और इन हाउस जो तब्दीली है उसके उसमें भी जो मुश्किल हैं उसके मतलब वो हमने भी उनके सामने जो है वो सारी चीज़ें रखी हैं तो उनके ऊपर उनकी भी जो है वो मुस्बत राय है लेकिन मामला ये है कि पब्लिक का प्रेशर बढ़ाना चाहिए और उसके बाद जो है वो जैसे ही हालात पैदा हों देखें जब ये मूवमेंट्स चलती हैं तो फिर उसमें हालात जो है वो ये इस तरह से नहीं होता कि दो दमा दो चार ही होता है ये कभी तीन भी हो जाता है कभी पाँच भी हो जाता है कि हालात जो है वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं और क्या वाकयात जो है वो पेश आते हैं ये फिर आने वाला वक्त जो है बताता है बात यह है कि पी जो है वो अगर अपने जो है वो पुराजम तरीके से अपनी इस तहरीक को जारी रखेगी तो अगले तीन छः माह में जो है मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो है जो इसकी हरकतें हैं जिस तरह से ये प्रेशर ले रही है जिस तरह से ये गाली गलोज कर रही है जिस तरह से ये टकराव की पोजिशन पैदा कर रही है ये हुकूमत जो है ये इस तरह से चल नहीं सकती रात इस तरह से आगे बढ़ नहीं सकते राउस चेंज है उसका आप लोगों का जो बयानिया है वो वोट को इज़्ज़त दो है आप कहते हैं कि जी सियासत

अब देखें जब ये इनका बजट चल रहा था तो इनके 22 लोग थे मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ उनमें से कुछ का तल्लक मेरे अपने ज़िला से है तो वो 22 लोग जो है वो बैठे थे और उनका ये इरादा था कि हमने वोट नहीं करना है इनके बजट को और ये बजट जो है ये गवर्नमेंट पास नहीं करवा सकेगी उसके बाद फिर जब वो आए और उनसे पूछा तो फिर उन्होंने जिस तरह से बताया कि हमें लाया गया है उन्होंने कहा कि जनाब हम कोई मर्ज़ी से नहीं आए हमें इस तरह से जो है घरों से उठा उठा के जो है बुलाया गया है और मामला ये है कि इसी तरह से इस पार्लियामेंट में कम अज़ कम एक महतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन साठ से सत्तर लोग ऐसे जो हैं कि जो घुस बैठी हैं यानी उनकी जगह पे जीते आप हैं बैठा आप कोई और जाके है वो लोग जो हैं वो जिन लोगों ने उनको टिकट दिलवाए पी के जिन लोगों ने उनकी उनका इलेक्शन लड़ा जिन लोगों ने उनको इलेक्ट करवाया जिन लोगों ने उनको असम्बली में बैठाया वो जो है वो पीपल्स पार्टी के कहने पे या जरदारी साहब के कहने पे क्यों कर वोट देंगे तो ये बात जब आपने उनके तो, कहने पर वोट देंगे तो ये बात जब आपने जरदारी साहब को बताई तो उन्होंने क्या जवाब दिया क्या है उनके पास फिर फार्मूला इमरान खान को निकालने का बहर जरदारी साहब को इस बारे में आ, कोई है ये ख्याल कि शायद वो इस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे लेकिन बहरहाल अगर वो मैनेज कर पाएँ और तो हमें तो कोई इसके ऊपर इतराज़ नहीं है अगर वो मैनेज कर पाएँ और एम क्यू एम जो है या जी डी ए है या ये क्यू लीग है अब क्यू लीग जो है ये इसको जो है वो जब ये पीछे बिगड़ी थी तो फिर उसके बाद इसके नैब में केस खुल गए थे उसके बाद फिर ये भागे भागे गए हाई कोर्ट जिस दिन चौधरी परवेज लाई ने हाई कोर्ट से अपनी बेल करवाई है उस दिन इनके वारंट के ऊपर साइन हो चुके थे इनके वारंट ऑफ अरेस्ट के ऊपर साइन हो चुके थे उन्हें अरेस्ट हो जाना था तो फिर ये रातों रात भागे और जाकर उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट करवाई उसके बाद जो है वो मामला सेटल हो गया तो अब ठीक हो गया अब हाई कोर्ट में भी लिख के दे दिया नैब ने कि नहीं जी नहीं वो तो ऐसे ही था कुछ भी नहीं था उसमें नहीं, मगर तो फिर... इस तरह से हुकूमत जो है वो मैनेज की जा रही है इस तरह से इलेक्शन मैनेज हुए हैं, इस तरह से हुकूमतें मैनेज होकर चल रही हैं, तो यही वो बात है जो बिया नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं आपने कहा कि फिर आपको दो से बात अगर... यही है कि ये चीजें खत्म होनी चाहिए तो फिर अगर दर... मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो आपने कहा अपोजिशन को मार पड़ती रहेगी हुकूमत जो है वो अब अपोजिशन को जो है वो जो है वो यानी टफ टाइम देती रहेगी या उसे जेलों में भेजती रहेगी या झूठे मुकदमे बनाती रहेगी लेकिन मुल्क नहीं चल सकेगा तो फिर आप, आप मुझे बताएं कि ढाई साल से जो है ये मुल्क आगे बढ़ रहा है कब तक आप ऐसे फिर जो आपने कहा कि सरदारी साहब कॉन्फिडेंट है कि वो इन्हें मैनेज कर लेंगे तो फिर मैनेज तो नहीं करेंगे और आपने कहा कि वो फिर हम कबूल भी कर देंगे ना आपने ये कहा तो मैनेज नहीं करेंगे अगर वो मैनेज कराएंगे तब भी आप कबूल कर लेंगे दे, देखें बात यह है कि मुझे तो एक सियासी वर्कर के तौर पे कोई शक नहीं है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा लेकिन मामला ये है कि देखें जब आप एक इतिहाद में बैठे हैं और उसमें बाकी सारे कायदीन या सारे लीडर जो हैं उनके आर्गूमेंट्स को आप इस तरह से तो नहीं उठा के आप जो है वो बाहर फेंक दें या किसी को ये कहें कि जी हम आपकी बात सोना भी गवारा नहीं करते जब एक आप इतिहाद में बैठे हैं तो फिर सबको आपको जो है वो स्पेस जो है वो देना पड़ती है लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी जो है पीपल्स पार्टी इस बात के ऊपर मुतफिक है कि इस तरह का कठपुतली निज़ाम जो है ये मामला आगे नहीं चल सकते और हमें इस्टेबलिशमेंट को जो है वो इस चक्कर से जो है वो हमें उनका रोल जो है वो निकाले बगैर इस मुल्क में जमहूरीत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती जो मियाँ नवाज़ शरीफ का गुजरा वाला के जलसे में जो उसका बयानिया था जो उसका मौक़ था ये आज पूरी पी डी एम का ये मौक़ है तरीकाकार चले ठीक है जी लॉन्ग मार्च पहले करना है या इस्तीफे पहले देने हैं या रैली पहले करनी है या जलसा पहले करना है ये चीजें तो चलती रहती हैं ये तो स्ट्रेटजी है ये बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे